41,000 किसानों ने करवाया पंजीयन, मंडी में बढ़े गेहूं के दाम। नमस्कार, मैं हूं रिया बिपलीवाल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। देखिए मंदसौर जिले की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 35 दिन में इस साल जिले के 41,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है। वहीं संभावना है कि इसी माह 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो जाएगी। इधर पंजीयन समाप्त हुए और उधर गेहूं खरीदी की तैयारी शुरू हुई। वहीं गेहूं के दामों में भी उछाल शुरू हो गया है। मंडी में गेहूं अधिकतम 2,565 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक चुके हैं। वहीं न्यूनतम दाम भी किसानों को 2,000 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहे हैं, जबकि समर्थन मूल्य पर किसानों को 2,015 रुपए प्रति क्विंटल दाम शासन ने निर्धारित किए हैं। ऐसे में मंडी में दाम अधिक मिलने से किसानों का रुख मंडी की तरफ है। पिछले साल भी पंजीयन करवाने के बाद आधे किसानों ने भी समर्थन मूल्य पर गेहूं नहीं बेचे थे। गेहूं के दामों में पिछले एक पखवाड़े में तेजी से उछाल आ रहा है। प्रति क्विंटल 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गए हैं। अभी गेहूं की फसल की कटाई ही चल रही है। इसी बीच मंडी में नए गेहूं की आवक शुरू हो गई है। दामों में भी तेजी आ रही है। सरकारी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 25 मार्च से प्रस्तावित है। गेहूं का सरकारी समर्थन मूल्य 2,015 रुपए है, लेकिन मंडी में वर्तमान में गेहूं 2,500 रुपए के भाव व्यापारी खरीद रहे हैं। इसलिए किसान समर्थन मूल्य पर बेचने के बजाय व्यापारियों को बेचना पसंद करेंगे। वहीं आपूर्ति विभाग के अधिकारी गेहूं खरीदी के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। खरीदी केंद्रों से लेकर वारदान मंगवाने सहित अन्य तैयारियां की जा रही हैं। 1.40 लाख हेक्टर रकबे में हुई गेहूं की पैदावार। इस साल औसत से अधिक बारिश होने से प्रमुख जलाशयों के साथ ही खेतों के कुएं में भी पर्याप्त पानी रहा, जिससे सिंचाई में किसी प्रकार की दिक्कतें न होते देख किसानों ने गेहूं की बोवनी ही अधिक की है। कृषि विभाग के अनुसार इस साल जिले में किसानों ने 1.40 लाख हेक्टर भूमि पर गेहूं की बोवनी की है। मौसम का साथ भी गेहूं की फसल को ठीक ठाक मिला है, जिससे गेहूं का उत्पादन भी बम्पर होने का अनुमान है। मंडी में बढ़ रही है गेहूं की आवक। गेहूं की कटाई शुरू होने के साथ ही मंडी में नए गेहूं की आवक शुरू हो गई है। गेहूं के दाम भी 2,000 से 2,500 रुपए तक होने से आवक लगातार बढ़ रही है। 11 मार्च को मंडी में 4,000 बोरी गेहूं की आवक हुई। वहीं किसानों को दाम 2,000 से 2,565 रुपए प्रति क्विंटल तक दाम मिले, जबकि समर्थन मूल्य पर दाम 2,015 निर्धारित है। ऐसे में मंडी में अधिक भाव मिलने से किसान मंडी में ही गेहूं बेचना पसंद कर रहे हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए 41,373 किसानों ने पंजीयन करवाया है। 25 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू होने की संभावना है। इसी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। खरीदी केंद्र सहित अन्य तैयारियां चल रही हैं। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।